मध्य प्रदेश सरकार ने 1 जुलाई से 15 जुलाई तक कोरोना किल अभियान शुरू किया है, जिस पर की पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोत ने तंज कसा है। कोरोना किल अभियान पर ताज्जुब करते हुए पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोत ने कहा कि अब भाजपा सरकार को याद आई है कि कोई कोरोना भी है, क्योंकि अभी तक तो भाजपा कोरोना को डरोना कहकर मजाक उड़ा रही थी। उन्होंने ये भी कहा कि जब पूरा देश कोरोना से लड़ रहा था, उस समय भाजपा सरकार बदलने में जुटी हुई थी। शिवराज सिंह और भाजपाइयों ने जनता को ताक पर रखते हुए अपनी सरकार बनाने में जुटी थी। भाजपा कोरोना से लड़ना छोड़कर अपनी सरकार को बनाने में जुटी रही और यहां लगातार कोरोना संक्रमण फैलता रहा। तरुण भनोत ने यह भी कहा कि मुझे जनता और भगवान पर पूरा भरोसा है। सरकार गिराने के लिए जो कृत्य इन्होंने किया है, इसके लिए भगवान श्री राम भी इन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। वहीं शहर में इस बार भी जल प्लावन की स्थिति न बने, इसके लिए पूर्व वित्त मंत्री के साथ पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया, विधायक विनय सक्सेना सहित कांग्रेस के पदाधिकारियों ने कमिश्नर नगर निगम से मुलाकात की। जल प्लावन की स्थिति जबलपुर में बनती है। कोरोना की महामारी तो फैली हुई है, पहला पेशेंट ही जबलपुर में मिला, तो स्थितियाँ खराब है। और पिछले 5-7 साल में जबलपुर में हमने ये देखा है, अन्य संक्रामक रोग, मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू, लंगड़ा बुखार, ये पूरे क्षेत्रों में होते हैं और लोगों की इस समय मौतें भी हुई। और साथ साथ में जल प्लावन के साथ जो नालों का काम पूरा नहीं हुआ है, उसके कारण डूबने से भी लोगों की मौत हुई। तो प्रमुख तो यही दो मुद्दे थे कि जल प्लावन का जो काम है वो निरंतरता के साथ जारी रहना चाहिए, जनप्लावन नहीं होना चाहिए, और साथ में संक्रामक रोग न फैले, सफाई व्यवस्था अच्छी रहे, इसकी व्यवस्था करें। साथ साथ हमने कमिश्नर महोदय से भी कहा कि जो उसकी कांग्रेस की सरकार थी, हम लोगों ने बहुत सारे विकास की योजनाएं जबलपुर के लिए बनाई थी और बहुत सारे महत्वपूर्ण काम पूरे जबलपुर के अलग अलग क्षेत्रों में सेंशन हुए, वो सारे काम हो गए, तो उनको भी कामों में शुरू किया जाए, जिससे हम सबका जो एक सपना है कि जबलपुर को एक महानगर के रूप में विकसित कर सकें। सफाई कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया जा रहा, 3 महीने से वेतन के लिए परेशान, कर्मचारियों की पूरी समस्या है। जब उनको नगर निगम में भी है, उनके प्रदेश कर्मचारी परेशान है। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मैं जब मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहा था पूर्ववर्ती सरकार में, तो माननीय कमलनाथ के नेतृत्व में हमने फैसला लिया था, हमने 5% प्रदेश के कर्मचारियों का दिए भी भैया, 100 एरियर्स का पैसा भी उनको नहीं मिल रहा है, महंगाई भत्ता भी नहीं मिल रहा है, तो कर्मचारी तो वैसे ही परेशान है। और जहाँ तक विशेष तौर पर नगर निगम की बात है, ये बात भी माननीय विधायक जी ने भी वहाँ पर रखी है, अभी मेरे भाई ने भी, हम लोगों ने बात की कि कर्मचारियों जो गलत तरीके से लगाए गए उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है, और जो काम कर रहे हैं चाहे सफाई से संबंधित अन्य विभाग के कर्मचारियों को पैसा नहीं समय पर मिल रहा है, और सब परेशान है वैसे ही कोरोना के कारण। तो उस पर भी उन्होंने कहा कि हमारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, हम प्रयास कर रहे हैं जल्दी करें। अभी तो आज पहली मुलाकात हुई है, मुझे विश्वास है कि जो बातें हुई उनके ऊपर काम आगे बढ़ेगा। नहीं तो एक सदर विपक्ष के नाते हमें जो करना चाहिए, गांधीवादी तरीके का आंदोलन हर शहर की सफाई को लेकर, बाकी समस्याओं को लेकर, जनप्रावन की स्थिति को लेकर, कर्मचारी भाइयों की परेशानी को लेकर, तो कांग्रेस पार्टी की ओर से मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ जनता को और कर्मचारी भाइयों को, हम अपनी लड़ाई सरकार। अब शिवराज सिंह का कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है, संभावित नामों में जबलपुर के किसी का नाम नहीं चल रहा है, मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है कि जो अपने आप को पार्टी द्वारा डिफरेंस किए हैं, दीनदयाल जी का नाम लेते थे, जो श्यामा प्रसाद जी का नाम लेते थे, आज उनके सिद्धांत कहाँ हैं? कुछ ऐसे लोग जो विधायक भी नहीं है वो मंत्री बनने जा रहे हैं, और उनने क्या गुनाह किया जो 5 बार 6 बार और 8 बार अपने क्षेत्रों से जीत कर आए? उनने काम लोगों के किए ना, वहाँ पे वो पॉपुलर थे ना, लोकप्रिय थे ना, भारतीय जनता पार्टी को मजबूरी दी थी ना, तो आज जो मजबूत लोग थे उनकी जगह मजबूर लोगों को लाकर, जो विधायक भी नहीं है, मंत्री पद की शपथ दिलाई जा रही है और सरकार बनाई जा रही है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बहुत बड़ा एक आघात है। और मेरी सहानुभूति है भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, जो कुछ ऐसा माल जो गलत तरीके से भाजपा ले गई है, उसमें वो शब्द का मैं उपयोग तो नहीं करूँगा, पर सब जानते हैं, उनके क्षेत्र की जनता भी जानती है, प्रदेश की जनता भी जानती है बेंगलोर में क्या हो रहा था, पूरे मध्य प्रदेश की और हिंदुस्तान की जनता जानती है। उनके बदले में जो चाल चरित्र और चेहरे वाले लोग थे उनको छोड़ दिया,
तो ये तो मेरी सहानुभूति है उन लोगों के साथ जो भाजपा के वरिष्ठ और मंत्री जी बने। कोरोना के अभियान चला रही है राज्य सरकार आज से, और उनका ये कहना है कि इस अभियान के तहत जो लगातार केस बढ़ रहे हैं उनसे उन पर कहीं ना कहीं कमी आएगी। बहुत अच्छी बात है, रहना चाहिए, हर सरकार का दायित्व होता है कि लोगों को बचाए। हम तो इनसे ये पूछ रहे हैं कि कोरोना है कि डरोना है, इनने तो कोरोना को डरोना कह के मजाक उड़ाया था, तो ये कोरोना इनको कब से इनको पता चला कि डरोना नहीं कोरोना था। इनने मध्य प्रदेश की जनता को और पूरे हिंदुस्तान की जनता को सिर्फ सरकार बदलने के लिए ताक पे रखा, उनकी सेहत को उनकी जान के साथ खिलवाड़ किया, और ये ना जनता भूलेगी। और मैं तो ईश्वर पे विश्वास करता हूँ, मुझे पूरा भरोसा है कि इनको तो भगवान श्री राम भी माफ। तय हो चुका है कि सीएम कमलनाथ अपना मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे, किस तरह से देखते हैं आप इस पूरे सिनेरियो को? सीएम कमलनाथ, सीएम शिवराज, मतलब ये स्वीकार कर रहे हो? जी सर, बोल रहे हैं मंत्रिमंडल का विस्तार कमलनाथ ही करेंगे। सीएम शिवराज यदि कहीं कठिनाई नहीं है तो 100 दिन क्यों लग गए? आईडी ऊपर करूं, मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार है कि इतना छोटा मंत्रिमंडल 100 दिन तक चला, जो वैधानिक रूप से सही नहीं है। कम से कम एक तिहाई मंत्री तो होना चाहिए मंत्रिमंडल में, कैबिनेट में कोई चीज पास करने के लिए। लेकिन यदि 12 नहीं कर पाए 100 दिन तक, तो आगे हम क्या भरोसा करें? एक समय था कहीं स्थितियाँ गड़बड़ तो हैं, क्यों जल्दी से नहीं कर पाए, और कहीं अंदेशा इनको तो है कि इनका संतोष बगरेगा, फैलेगा, बिखरेगा, और कहीं ये असंतोष ऐसा ना हो जाए कि इनकी विदाई क्या हो। अभी तक 2 मंत्री थे कांग्रेस सरकार में, अब क्या लग रहा है किसी को अवसर मिलेगा? अब ये शिवराज सिंह जी बताएं, उनकी सरकार बताएं कितने रही है। भी आज जो बैठे हुए आप आए थे इधर, क्या बात हुई, क्या चर्चा हुई, क्या शिकायत? शहर के तमाम कांग्रेस के पार्षद का एक प्रतिनिधिमंडल शहर की समस्या के लिए गंभीर हो गई, माननीय कमिश्नर महोदय को मिला है, और हम लोगों का आग्रह था कि शहर में जल संकट के साथ जल प्लावन भी जबरदस्त होता है, और स्टैम वाटर ड्रेनेज सिस्टम का जो नाला अधूरा छोड़ दिया गया था, 100 फुट के नाले को 12x12 कर दिया गया था, ओमती नाला से लेकर मोती नाला बहुत बड़ा एरिया, और जहाँ घनी बसाहट है, सघन बसाहट है, घरों में सिर्फ 1-2 इंच की बारिश में उस नाले का पानी जाता है, और लोगों के कमर को छोड़ो सीना तक पानी पहुंच जाता है, घर के सारे सामान बर्बाद हो जाते हैं, बर्तन भाड़े तक तैरने लगते हैं, खाने पीने की सामग्री नहीं रहती, और ये कोरोना वैश्विक महामारी में जब गरीब वैसे ही टूट चुका है, परेशान है, उसकी आर्थिक दशा बिगड़ चुकी है, और बारिश में महामारी फैलती है, सफाई व्यवस्था नगर निगम की दुरुस्त नहीं है, ये माननीय कमिश्नर महोदय को बताने आए थे कि हर वार्ड की स्थिति बहुत दयनीय हो गई है, लाइटें नहीं है, सफाई व्यवस्था नहीं है, और नगर निगम की आर्थिक दशा से बचने के लिए आप कर्मचारियों की छटनी कर रहे हैं, इसके उल्टे प्रभाव भी हो सकते हैं कि ये कोरोना जैसी महामारी से जो मुस्तैदी से ये शहर लड़ रहा है कि आने वाले समय पे भारी बारिश में लड़ पाएगा या नहीं, ये सारी चीज़ें हैं, नालों की साफ सफाई से लेके जल प्लावन में शहर डूबे ना, महामारी फैले ना, ये प्रतिबद्धता हम सबकी है, और ये नगर निगम की प्राथमिकता होना चाहिए। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।